सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। अमेय विक्रम क्रोरा सुंदरे स्वर्गंधरे
वरदरकाज मतंगे मतंग मणिपोलिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंदे कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा देव महाराय लक्ष्मी च पुरुषागते विमलोदगर्जुनी ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिदा वहला वहल प्रेम सर्ववाहन वाहन निशुम्भ जुम्भ हनने महिषासुरमर्दने मधुकैटवहंसे चण्डमुण्डा विनाशने सर्वासुरविनाशाय सर्वदानवघातिने सर्वशास्त्रमये सत्य सर्वाश्रधारिणे च अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणे उपकारी चैककन्या च कैशोरेऽवतीयते अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदये मुक्तकेशी कालरूपा महाबला अग्निज्वालारब्धमपि कालरात्रि तपस्विने नारायणे भद्रकाले विश्वमाया जलोदरे शिवदूते कराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मभाजिने यादिदं प्रवदे नित्यं दुर्गा नाम सदाशिवम् नासाध्यं विद्यते देवे तुषो लोकेषु पार्वते धनधान्यं कृतं जायामयं हर्षिणमेव च चतुर्भगं तथा चन्द्रे लभे भक्तिं च शाश्वते कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयन्त्वया भक्त्या पठे नाम सदाशिवम् तस्य सिद्धे भवे देवे सर्वे सर्वलेभे राजानो दासदां यान्ति राज्यस्यवाप्नुयात् गोरोचनालक्षककुङ्कुमेन सिन्धूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्ययन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धार्यते पुरारिः भौमावास्यादिशामग्रे चन्द्रे शतविशाङ्करे विलिख्य प्रवरे स्तोत्रं सा भवेत् सर्वदा प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवगुह के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती ही पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपकी सुख समृद्धि के लिए, आपका बुद्धि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश
उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मां जगजननी ने मां जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणान भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देभ्यः कवच अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनष्टमछन्दः चामुण्डा देवता अङ्गना सप्तमतरो वीरम् जगवन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजनदम्भामित्यर्थ सप्तशदीवाधानत्वेन यमेर्विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै मारकण्डेयवाच ॐ यस्मयं परमं लोके सर्वरक्षाकरणिणां यन्न कस्यचिद् अज्ञातं तन्मे ब्रूहि पितामहः ब्रह्मवाच कस्य गोयतमं विप्रः सर्वभूतोपकारकं दिव्यासुकवचं पुण्यं दर्शुणु स्वामहामुने प्रथमशैलपुत्रेचद्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रघण्टे कोष्माण्डेतिचतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमर्देते षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरेति दशमं नवमं सिद्धिरात्रे च नवदुर्गाकीर्ति च भक्तानि त्वानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना अग्निनालयमानसो शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्थः शरणं गतः न तेषां जायते किञ्चिदशुमरणसङ्गणे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि ये सुरक्षासृदानूनां तेषां वृत्ति प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षते दानसन्धयः प्रेतसन्दातु चामुण्डा बाराही वैशासन एन्द्रिकर्णमारूढा वैष्णवी करुणासन माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहन लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्मासना हरिप्रिया श्वेतरूपर्धना देवी ईश्वरी वृषभाहन ब्राह्मी हन्तसमारूढा सर्ववर्णभूषिता नित्यनामातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नापशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं सवसलायुधं केणकं गमरं जैव परशुं पाशमेव च वृन्दायुधं नृजोलं च शारकमायुधमत्तम देव्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयं ध्याय धारेदं देवानां जयिताय वै नमस्यन्तो महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिने त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष शत्रूणामयवर्धने राज्यां रक्षतु मामेन्द्रे आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणवतु वाराहि नैरित्यं खड्गधारणे उदेजावरुणे रक्ष वायभ्य मृगवाहिने उदेजापादु कौमारि ऐशान्यशूलधारिणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष अलस्ताद्वैष्णवे तथा एवं दशदशो रक्ष चामुण्डा शववाहन जया मे जागृतः पादो विजया पादो प्रश्चितः हरिदाभावमाश्वेतो दक्षिणे च पराजित शिखामध्यातने रक्ष रमामूर्धे व्यवस्थित मालाधरे ललाटे च भवा रक्ष दशश्विने त्रिणेत्रा च भवर्मध्ये नवघण्टातनाशिक शङ्खणे चक्षुर्मध्ये श्रोत्रयार्दारभासने कपोलौकालिका रक्ष कर्णमूले दुशाङ्गने नासिकायां तु गन्धा च उत्तरोष्टे च कर्षिक
अथ अर्गलस्तोत्रम्
Jump, 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 jump
Yeah.
उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि माँ इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो भी भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से कहीं भी इस माँ जगजन्य का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती स्तुति करते हैं, माँ भगवती के चरणों का ध्यान कर करके प्रतिदिन निज रूप से माँ के चरणों नतमस्त होते माँ को नमस्कार करते हैं, इसमें जगजन्य जगत माता की उन शरणार्थ भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से वह भक्तजन जो हैं सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। वह भक्तजन वह साधक जन जो भी मन में चिंतन करते हैं माँ भगवती की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों की समस्त मनोबल सिद्ध कामनाएं जो है वह पूर्ण होती हैं और सब ओर से वह भक्तजन जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इस तरह से माँ की भक्ति जो है ये सब ओर से परम सिद्धि को देने वाली है। भक्ति में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है।
उस प्रकार से जिस घर में जिस गृहस्थ में माँ की भक्ति होती है, जिस वंश में माँ की भक्ति होती है, साधना होती है, भगवान की आराधना होती है, जप होता है, पाठ होता है, कभी ना कभी जो है जय भगवती इस घर में अवश्य जो है अवतरित होती है। इस समय गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी पर्यंत 9 दिन जो है ये गुप्त नवरात्र कहलाते हैं। और जो विशेष ये 9 दिन जो है इस शक्ति की उपासना के दिन हैं, शक्ति संवर्धन के दिन हैं, जिसमें भक्तजन विशेष माँ भगवती आदि शक्ति की पूजा माँ की आराधना अर्चना करते हैं और माँ की विशेष कृपा माँ का आशीर्वाद जो है ये प्राप्त करते हैं। माँ के जो 9 रूप हैं उन 9 रूपों में आज माँ भगवती का 6ठा रूप है, 6ठा नवरात्र है, 6ठा रूप है। 6ष्ठ रूप जो है माँ भगवती का, 6ठा रूप जो है वह कात्यायनी देवी का है। कात्यायनी देवी जो है जिस नाम से कैसे विख्यात है, कहते हैं कि पूर्व काल में कत नाम के एक ऋषि हुए हैं, जो माँ भगवती के अनन्य भक्त थे, इस शक्ति की उपासना जो है वे किए करते थे। कत नाम के माँ की खूब भक्ति करते थे, माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन्हें 97 सुख प्राप्त हुआ, उनके घर जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ कात्या। कत जो ऋषि माँ के उपासक हुई हैं, माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उनके घर में जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ कात्य। और कात्य जो था देवी पिता की तरह ही इस शक्ति का उपासक था, भगवती की आराधना। तो पीढ़ी दर पीढ़ी तो इस प्रकार से उस वंश में जो है माँ की पूजा चल रही थी। अब कात्य ऋषि ने भी माँ भगवती की बड़ी आराधना की, तब किया और उसके घर में जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ कात्यायन। कत, कात्य और कात्यायन। कात्यायन जो है जीवी माँ का उपासक हुआ, माँ का अनन्य भक्त था, इस प्रकार से उसके जीवन में यही लक्ष्य था भगवती की उपासना करना, माँ को प्रसन्न करना, माँ प्रसन्न हो जाए। देखिए राजा भगीरथ हुए, उनके पूर्वज जो है कहां से लेकर के वह चले और माँ गंगा को इस पृथ्वी पर लाने के लिए जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो तप करते रहे और अंत में जाकर के भगीरथ में जाकर के वहां तपस्या सफल हुई। भक्ति इतनी सारणी है कि आपको बहुत शीघ्र वह भक्ति प्रारंभ के दूसरे दिन सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब इस प्रकार जिस वंश में ऐसे भक्ति होती है, एक न एक दिन जो है वह भगवती उस घर में आती है। तो कात्यायन ऋषि कत, कात्य और कात्यायन, और कात्यायन भी जय भगवती के अनन्य भक्त हुए और एक ही लक्ष्य माँ को प्रसन्न करना, माँ की साधना करनी, माँ की आराधना करनी है। इस तरह से चलते फिरते उड़ते बैठते बस जिब्बा पर माँ के नाम था और उसका जो उद्देश्य था, ये लक्ष्य था उसका कि माँ मेरे घर में पुत्री के रूप में बेटी के रूप में उत्पन्न हो, जिसका उद्देश्य था कात्यायन का। ऐसी उन्हें तपस्या की और उसकी तपस्या से माँ प्रसन्न हुई, माँ ने उसे दर्शन भी दिए, साक्षात दर्शन दिए और वरदान भी दिया। जैसे जो वरदान मांगा कि मेरी जो इच्छा है, माँ ने कहा कि क्या चाहता बेटा, और वैसे भक्ति ऐसी होनी चाहिए, स्वयं भगवान आकर के पूछे बेटा तेरी इच्छा क्या है, ब्रह्म रूही जो आपकी इच्छा हो मुझसे वरदान प्राप्त कर लो, ऐसी भक्ति हो। माँ स्वयं जो दर्शन देती है कहते हैं ऋषि को और कहती कि बेटा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, जो तेरे मन की इच्छा है आप भर प्राप्त कर सकते हो। तो कात्यायन ऋषि ने कहा कि माँ मेरी जो इच्छा है कि आप मेरे घर में पुत्र के रूप में उत्पन्न हो, ये मेरी अभिलाषा है। माँ ने उसे वर दिया, अंतर ध्यान हो गई। कहते हैं कि कालांतर को समय के उपरांत जो है
एक महादैत्य जो है जिसका नाम महिषासुर था। अभी आपने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ किया है। जे महिषासुर नाम का दैत्य ऐसा था, इतना अत्याचारी था कि त्रिलोकी में इसका अत्याचार जो था इतना फैल चुका था कि सभी देवता ऋषि मुनि मानव दानव सब जो है त्राही त्रोम त्राही माम कह रहे थे। सब भयभीत थे उसके आतंक से जो है, ऐसा आतंक था। और महिषासुर को मारने के लिए सब देवता जो है चिंतित थे, क्या करें कैसे इस आतंक से जो है मुक्ति मिले। तो कहते कि उस समय ब्रह्मा विष्णु और महेश ने, भगवान शिव ने जो है इन तीनों देवताओं ने अपने तेज से जो है अपने तेज से जो अंश देख करके तेज अंश देख करके एक देवी को उत्पन्न किया महिषासुर का विनाश करने के लिए। इन तीनों देवता से जो है ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवता के शरीर से जो है तेज निकला, जगपुंज के रूप में परिणत हुआ और देखते देखते जिसने एक देवी का रूप धारण किया। वह देवी जो थी उसकी सबसे पहले उस कात्यायन ऋषि ने पूजा की। कात्यायन ऋषि ने पूजा की जिससे माँ का नाम कात्यायनी हुआ। कात्यायन ऋषि द्वारा पूजी जो है जय भगवती कात्यायनी देवी के नाम से विख्यात हुई। दूसरी जीवी कथा मिलती है कि माँ ने जो कात्यायन ऋषि को वरदान दिया था उस वरदान को उन्होंने सार्थक किया था। अश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जो है माँ भगवती ने कात्यायन ऋषि के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया और अश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी और नौमी जे तीन दिन जो है माँ भगवती ने कात्यायन ऋषि की पूजा ज्योति स्वीकार की। तीन दिन जो है कात्यायन ऋषि ने उनकी पूजा की और दसवें के दिन जो है माँ भगवती ने महिषासुर का वध किया था। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये कथा मिलती ही इस प्रकार से मेरा कहने का अभिप्राय था कि जिस घर में माँ की पूजा होती है पीढ़ी दर पीढ़ी माँ की आराधना होती है, जो माँ जो है भाम पर जो है करके ये अवश्य है। क्योंकि मैं कई बार प्राय बतलाता हूँ कि घर के अंदर माँ जो है तीन रूप में जो है प्रत्येक घर में भी आती है। एक तो माँ के रूप में जिस जन्म की माँ से जिस जननी माँ के कोख से हमने जन्म लिया, दूसरा बेटी के रूप में, तीसरा बहू के रूप में। और जिस घर में माँ बेटी और बहू का जो है आदर है सत्कार है मान सम्मान है उस घर में सदा सर्वदा जय माँ भगवती लक्ष्मी रूप विराजमान होकर के अवधि को देती है उन्नति देती है सुख देती है आत्म शांति होती है। और ऐसे घरों को देख करके ये जान लेना चाहिए जिस घर में सुख है शांति है परिवार में जो है मैत्री संवर्धन है कोई क्लेश नहीं है कोई कलह नहीं है सभी जो है अवधि प्राप्त होते हैं। और जिनके घर में जिनके गृहस्थ में प्रतिदिन कुछ न कुछ धर्म कर्म होता है साधु संतों का मान सम्मान होता है भगवान की आराधना होती है जप होता है पाठ होता है भगवत की उपासना होती है और वह लोग जो है तंदुरुस्त हैं निरोगी हैं किसी चीज की कमी नहीं है तो उन्हें देख करके जान लेना चाहिए यही पुण्यात्मा है इन पर माँ की विशेष कृपा है इनके घर में जो भगवती लक्ष्मी के रूप में विराजमान है। ऐसे घर में जो भगवती लक्ष्मी के रूप में विराजमान होकर के अवधि को देती है उन्नति देती है सुख देती है आत्म शांति देती है वहां पर कभी कोई शोक नहीं होता कभी रोग नहीं होता है और कभी प्रकार किसी प्रकार की कला कोई क्लेश नहीं होता है। ये पूजा का जो भक्ति का फल होता है। इस प्रकार से जो साधक जन जो है भगवती की शरणागत होकर के माँ की साधना करते हैं ये देवी के अवश्य जो है उन भक्तों की कृपा होती है। जे कात्यायनी देवी जो है कहते हैं कि जी अमोघ फलदायिनी है सद्य फलदायी इसकी जो भी पूजा करते कहते हैं भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने जो है इनकी पूजा कालिंदी यमुना तट के किनारे जो की थी। भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए
ब्रज की गोपियों ने जो है इसी माँ भगवती कात्यायनी देवी की पूजा की थी, और जिन्होंने जो है माँ की पूजा कर करके जो है इस प्रकार से अपनी मनोकामना जो है वह पूर्ण की, उनकी मनोलक्षित कामना जो थी वह पूर्ण हुई, और ये ब्रज मंडल के अधिष्ठात्री देवी है। जो कात्यायनी देवी जो है कहते हैं कि इसकी उपासना से जो है जो साधक माँ भगवती की उपासना करते हैं भगवती कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों को जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। अर्थात माँ की कृपा से उन भक्तों को धार्मिक मति धार्मिक बुद्धि मिलती है, वह कभी धर्म से विचलित नहीं होते। अर्थ उनके जीवन में धन लक्ष्मी की पूर्ण कृपा बनी रहती है, कभी जीवन धन लक्ष्मी की कमी आती ही नहीं। काम वह उनकी जो भी मनोलक्षित कामना होती है माँ की कृपा से इस लोक में स्वस्थ कामना जो उनकी पूर्ण होती है। मोक्ष अंत में वह मोक्ष को प्राप्त कर लेते, अर्थात इस संसार में इस लोक में वह सौ सुखों का भोग करते हुए अंत में उनका परलोक भी कल्याण हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से जो है भगवती की उपासना जो है उनके रोग शोक संताप भय आदि ये सर्वदा विनष्ट हो जाते हैं। ये फल है माँ की उपासना का, माँ की साधना का। इसलिए कल्याण के मनुष्य को चाहिए जो भी अपने कल्याण चाहते हैं उन्हें सदा सर्वदा प्रयत्न पूर्वक इस कल्याणमय देवी की पूजा माँ की आराधना अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन जो है साधक जन जो है अपने मन को जो है आज्ञा चक्र में ये सात चक्र है मूलाधार चक्र से साधक की साधना प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से भगवती साधना करते करते इन चक्रों से होता हुआ वह आज्ञा चक्र छठे दिन जो है आज्ञा चक्र में उसके मन की स्थिति है। ये बड़ा विशेष चक्र है यह आज्ञा चक्र, जहाँ पर जब जब ध्यान किए जाते हैं सब प्रकार की सिद्धियों के द्वार जो खुलना शुरू हो जाते हैं। परंतु ध्यान लग जाए तो ध्यान जो है कैसे लगते हैं, बार बार जब अभ्यास करते हैं भगवती की शरण का धो करके, हम तो आपकी शरण माँ, आप जो भी हो चाहे दुख दो चाहे सुख दो किसी भी हाल में रहो, परंतु हम तो आपकी शरण में, आप जैसे रखोगे हम वैसे ही खुश रहेंगे। शरण का धो क्योंकि भक्ति में कई प्रकार विघ्न आते हैं, जिसको भगवती ने जिस पर कृपा करनी है जिसका कल्याण करनी है जे माँ भी उस भक्त को हिला ला के देखती है। जब भक्त पक्का है या कच्चा है या बीच में भागने वाला है, तो इसलिए जो ही भक्ति में विघ्न आते हैं कष्ट आते हैं दुख आते हैं, परंतु जो भक्त जन जो है ऐसा संकल्प ले लेते हैं चाहे आंधी हो तूफान हो कुछ भी हो कैसी परिस्थिति हो हमें ये कर्म करना है तो करना है, माँ का ध्यान करना है करना है, माँ के दरबार में जाना है तो जाना है, पीछे हटना ही नहीं है। तो वह भी सब देखती है क्योंकि भावग्राही जिनार्दना वह भगवती आदि शक्ति जो है ये सबके हृदय की जानती है। हमारे हृदय में क्या चल रहा है हम क्या सोच रहे हैं ये सबके हृदय की जानती है। भक्त घर से चलता है तो माँ को पहले ही पता होता है क्योंकि इसी का बुलावा होता है, इसके बुलावे बिना कोई आ नहीं सकता। जब बुलाती है तो उसके हृदय की बात को जानती है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि हमें कि दर्शन नहीं करने दिए पंडित जी ने जल्दी भगा दिया, ऐसा नहीं। आपने कहते हैं हमने तभी देखा नहीं, आपने देखा कि नहीं देखा, परंतु जिसने बुलाया अपने दरबार में वह देख रही है, बस सब देख रही है आपके भाव को। इसलिए जब भी दर्शन करते हैं तो कभी जो है क्रोध मत कीजिए, कभी क्रोध में आकर के ऐसी बात ना बोल दें जैसे इतनी यात्रा आपने की, क्योंकि जब यात्रा करते हुए कहीं क्रोध कर देता है व्यक्ति, किसी को डांट दिया जाए किसी का बुरा हो गया तो जो है उससे जो है बस यात्रा का फल जो है निष्फल होता है। इसलिए एक ऐसा संकल्प लेने जब भी चलते हैं शांति से माँ के नाम का जप करते हुए कुछ भी हो हमें तो माँ का ध्यान करना है। हमारे आगे कौन है पीछे कौन है जी हमें ध्यान होना नहीं चाहिए। ध्यान एकमात्र उस जगजननी का जहाँ बैठे हैं, ना घर का ध्यान हो ना दूसरे तीसरे का, एकमात्र ध्यान है तो माँ का।
माँ की मूर्ति अपने हृदय में ऐसे इसको विराजमान कीजिए कि इस प्रकार से चलते फिरते उठते बैठते उसी का नाम जिब्बा पर हो, उसी का स्मरण हो, उसी का ध्यान हो। और इस प्रकार से जब साधक जी माँ के इस प्रकार शरणागत होकर के माँ को नमस्कार करते हैं तो यकीन मानिए माँ की जो है अवश्य उन पर कृपा होती है। जय भगवती अंगसंग भक्तों की रक्षा करती है और जगजननी जगत माता उन भक्तों की समस्त मनोवलक्षित कामना को पूर्ण करती है और उनके जीवन सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आप सभी माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और साक्षात माँ का ही रूप है। आप किसी भी मंत्र को लेकर जब साधना करते हैं तो उसे माँ का स्वरूप माने, उस मंत्र को हृदय में ध्यान करें। और जब उस मंत्र से आप बार बार साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, वही मंत्र से धो जाता है। जब कष्ट विपत्ति है, कुष्ठ भी है, कहते हैं वह मंत्र बोल करके आप किसी के सिर पर हाथ रखते हैं, कोई कष्ट होता है वह कष्ट भी दूर हो जाता है। क्योंकि माँ की जब कृपा होती है भक्त पर जो है उस भक्त का तो कल्याण होता ही होता है, परंतु वह भक्त जो है दूसरों का भी कल्याण करने वाला हो जाता है। तो आप सभी से मंत्र का पाठ करेंगी। जब मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है, नवान मंत्र नौ अक्षर इसके और नौ ही देवी है और नौ से ऊपर कोई संख्या ही नहीं है। सबसे बड़ी संख्या नौ की संख्या है और माँ का जो बीज मंत्र है जी नवान मंत्र जो है इसके भी नौ ही अक्षर है। तो इस मंत्र को अपने हृदय में ध्यान करके आप प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल इस मंत्र की एक माला जब तो अवश्य करें। जब माँ के विशेष दिन होते हैं अष्टमी है, नवमी है, चतुर्दशी है, जहाँ जो नवरात्र के दिन होते हैं उसमें इतना जप कर सके इस मंत्र का जप करना चाहिए, उससे विशेष फल होता है। तो उसी मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 सच्चे तभी भजन की वेला निवेदन कर रहा श्री मुनिंद्र जी माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना शामिल कर वाला ताली जाते हुए श्री मुनिंद्र जी जय करा दरबार की जय। आयो 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 नवरात्रि त्योहार भवन में रौनक लगी। आयो आयो नवरात्रि भवन में रौनक लगी। आयो आयो नवरात्रि त्योहार भवन में रौनक लगी। आयो आयो नवरात्रि त्योहार भवन में रौनक लगी। आए दर्शन को सभी नर नार भवन में रौनक लगी। आए दर्शन सभी नरना भवन में रौनक लगी। आए दर्शन सभी नरना भवन में रौनक लगी। आए दर्शन सभी नरना अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजी दीजिए। आज सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों की हाजी से विचार करें, आपके झोलिए भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता नहीं। अभिनेता
आस लगाई, सभी ने दर्श की आस लगाई, सभी ने दर्श की आस लगाई। खोलो खोलो माँ, ओ खोलो खोलो माँ, ओ खोलो खोलो माँ, मंदिरों के द्वार भवन में रौनक लगी। खोलो खोलो माँ, मंदिरों के द्वार भवन में रौनक लगी। आयो आयो नवरात्रि त्योहार भवन में रौनक लगी। आयो आयो चुनरिया आए करने को कहो
ਸੋਚਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ ਦੀਆਂ
ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਨੇ ਆਜਾਵਾ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਯਾਰ ਜੈ ਜੈ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਜੈ ਜੈ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਯਾਰ ਕਰਾ ਜੈ ਜੈ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਜੈ ਜੈ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਵਾਣੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਲੈ ਡੋਲਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਲੈ ਡੋਲਦੀ ਮਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਵਾਣੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਯਾਰ ਜੈ ਜੈ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਬੋਲਦੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਾ ਜੈ ਜੈ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਘਟਾ ਗਮ ਦੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਨੇ
सच्चे दरबार की जय। जयकारा श्री बोल सच्चे दरबार की। था था भवानी बजने तोलिया, था था भवानी बजने तोलिया, था था भवानी बजने तोलिया। मेहरा पंडारा खोलिया, था था भवानी बजने तोलिया, था था भवानी बजने तोलिया। तेरे दीदार दिया लोड़ा और दिए मैनु छोड़ा, दिए मैं जोड़ा हर कृपाना दान मान के, हर कृपाना दान मान के तू मेरा मन डोलिया, था था भवानी डोलिया, था भवानी बजने डोलिया। महारानी गुटिया पटोले नित जीवा, हर कृपान जान मान के, हर कृपान जान मान के तू मेरा मन डोलिया, था था भवानी डोलिया, था था भवानी बजने डोलिया। मेहराना पंडारा खोलिया, था था भवानी बजने तोलिया, था भवानी बजने तोलिया। गुफा बीच बैठी पिंडी रानी जगदम्बे महारानी, बैठी पिंडी रानी जगदम्बे महारानी, नंगे पैर दर तेरे आया कर निर्वाण कल्याणी,
ਸਾਧੂ ਮਿਹਰਾਨਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਖੋਲਿਆ ਬਣਾ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਤੇਰੇ ਪੂਜਨ ਕੋ ਹੈ ਮਾਂ ਬਣਾ ਭਗਤੀ ਕਾ
मानोहर दाम किसने देखी तेरी मूरत कौन बनावे तेरी सूरत किसने देखी तेरी मूरत कौन बनावे तेरी सूरत किसने देखी तेरी सूरत कौन बनावे तेरी मूरत किसने देखी तेरी सूरत कौन बनावे तेरी मूरत तू है निराकार है मां बना मन मंदिर आलीशान तू है निराकार है मां बना मन मंदिर आलीशान तेरे भोजन को है मां बना मन मंदिर आलीशान तेरे भोजन को है मां बना मन मंदिर आलीशान वो पड़ा तेरे चरणों में है मां मुझे भक्ति का भक्ति का तो वरदान तूने राजा रंग बनाए तूने छोटे बड़े बनाए 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 तेरी लीला बड़ी बना मन मंदिर आलीशान तेरी लीला बड़ी महान बना मन मंदिर आलीशान तेरे भोजन को है मां बना मन मंदिर आलीशान तेरे भोजन को है मां बना मन मंदिर आलीशान खड़ा तेरे चरणों में है मां मुझे भक्ति का दो वरदान खड़ा तेरे चरणों में भक्ति का तो वरदान भक्ति का तो वरदान भक्ति का तो वरदान मां मुझे भक्ति का तो वरदान मुझे भक्ति का तो वरदान मां मुझे भक्ति का तो वरदान मुझे भक्ति का तो वरदान जयकारा शिरोमणि बोल सच्चे दरबार के आरोढ़ से भ्रमति गगने दक्षिणे चतुसूत्र वामे हस्ते दिभ्यां कणकमयं पुस्तकं जनगम्यं साभिनां भादन्ते स्वकृतकृजभि शास्त्र विज्ञान शब्दे क्रीडन्त दिभिरोपाकर कमलधरा भारती सुप्रसन्ना सचिए ज्योत वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य से संवत 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल शिष्य ऋतु माघ मास की आज 29 प्रविष्टि ही शुक्ल पक्ष आज षष्ठी तिथि ही सोमवार तदनुसार 11 फरवरी सन 2019 के दिन प्रातःकाल आर्थिक समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली ही पुण्यात्मा ही जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में विशेषतया गुप्त नवरात्रों के आज छठे नवरात्र के शुभ अवसर पर माँ के चरणों बैठ करके आप भक्तों को माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रही और माँ वैष्णो देवी प्रसन्नता पूर्वक आप भक्तों को अपने दरबार में बुलाती रही अपना आशीर्वाद आपको देती रही और माँ के आशीर्वाद से आप भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो। इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतति भाणे भवे श्रीमान यशस्वे भवे प्रज्ञा भाणे भवे भूरी
गर्भोत करणे धाने कनिष्ठो भवे तेजस्वी भवे भैर गर्भदलने व्यापार दक्षे भवे श्री शंबर पाद पंडित सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ है शत्रु नाम दिनाशोस्तु मित्र नाम देशो शरीर वर्चस आयुष्मारोग्यमा विदाद शुमान महियते धनं धन्यं पशु बहुपुत्र लाभं सस्मसरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धंडे से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, सब लोग प्रबल ताली जाते हुए ओम जय अम्बे गौरी Thank you.
में भटका घबराया हमें
जय। परम पूज्य पुजारी जी, मैं भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुहा द्वार पर आ गई हूँ। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मैं भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रार्थना करेंगे सम्मिल करके बोलना। देहि सौभाग्य आरोग्य, देहि सौभाग्य आरोग्य, देहि मे परमं सुखं, देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चन दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्। और मन मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। Thank you.
माता रानी जी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सबकी हाजिरियां कबूल करें, आप सबकी झोलियां खुशियों से भरें और आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से मिलाएं। बोलो सच्चे दरबार की जय। ठंडी 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 बोलो सच्चे दरबार की जय। अच्छी आवाज गूंज के आनी चाहिए।
बोलो आशीर्वाद जय माता दी। Look, look at me.